कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन के बीच काशीपुर में आपदा राहत सामग्री के वितरण के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। प्रशासन ने इसकी शुरुआत दिव्यांगों को वितरण करके की। आपको बताते चलें कि आपदा राहत सामग्री तथा मुख्यमंत्री राहत सामग्री को नगर निगम प्रशासन द्वारा देश भर में COVID-19 के चलते चल रहे लॉकडाउन के बीच गरीब, असहाय और मजबूर लोगों को राशन का वितरण किया जा रहा है। इसके द्वितीय चरण का दिव्यांगों से राशन किट वितरण कर शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ स्वयं नगर आयुक्त प्रकाश चंद्र ने दिव्यांगों को राशन किट प्रदान करके किया। इस मौके पर नगर आयुक्त प्रकाश चंद्र ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा राशन किट प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत दिव्यांगों को ये किट प्रदान करके की गई है, जिसके तहत दिव्यांगों को घर घर जाकर ये किट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे प्रदान करने की कोई लक्ष्य संख्या नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य ये है कि कोई भी भूखा ना रहे। काशीपुर के मोहल्ला महेशपुरा में रह रहे विकलांग लाभार्थियों को ये किट प्रदान कर इसकी शुरुआत की गई। हमारे पास राशन के किट जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध हो चुके हैं और हमने इसके दोबारा जो सेकंड फेज में जो शुरुआत की है हमारे जो दिव्यांग लोग हैं उनसे की है और आज लगभग 50 के आसपास दिव्यांग लोग घर घर जाकर उनको किट किया जाएगा, क्योंकि जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से फील्ड में करवा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कई लोग को चलने में तकलीफ है, कई लोग को आँख से नहीं दिखाई देता है, कई लोग को इस तरह की समस्याएं हैं कि उनको घर पहुंचने में कठिनाई होगी और हमारा उद्देश्य संक्रमण से बचाते हुए वो अपना भोजन वगैरह अपना बना सकें, इसलिए हम घर घर जाकर उनका वितरण कर रहे हैं। कितना टारगेट